एक बार की बात है, भगवान शंकर के कैलाश में नारद जी आए। नारद जी ने पार्वती जी से हालचाल पूछा, देवी कैसी आप? पार्वती जी ने कहा, महाराज सब आपकी कृपा कुशल मंगल। फिर पूछा, जब भोलेनाथ जी कहीं दर्शन उनका हो नहीं रहा, दिख नहीं रहे, भोलेनाथ जी कहाँ हैं? तो मैया पार्वती जी बोली, पता नहीं, अभी जल्दबाजी में कहीं निकलते देखा था, पता नहीं कहाँ गए। नारद जी बोले, क्या जल्दबाजी में निकल के चले गए और आपको बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं? मैया बोली कि नहीं, हमको तो नहीं बताया। नारद जी बोले, राम राम राम, गजब हो गया ये तो, नारायण नारायण नारायण। अरे ये कैसा दाम्पत्य, ये कैसा प्रेम, हम तो समझते थे पृथ्वी में ही प्रेम घटता जा रहा है, पर ये परेशानी, ये रोग तो लगता कैलाश तक फैल गया है। बताइए, बिन बताए चले गए, आपको बताया भी नहीं। पार्वती मैया बोली, अरे हर बार जरूरी थोड़ी, हर बार जाने से पहले बता दे, बाकी सब तो हमको बता ही देते। नारद जी बोले, अच्छा बाकी सब बता देते? मैया बोली, हाँ बाकी तो सब बता देते। अच्छा तो बताओ, उनके गले में जो मुंडों की माला है, वो मुंड किसके हैं? हम मैया तो फिर एकदम शांत हो गई, क्योंकि कभी भी भोलेनाथ जी ने बताया नहीं, इन्होंने कभी भी पूछा नहीं, टॉपिक निकला नहीं, बात हुई नहीं। तो नारद जी बोले, नारायण नारायण नारायण, अब तो देवी कन्फर्म हो गया कि आपसे भोलेनाथ जी प्रेम नहीं करते। प्रेम में थोड़ी कोई छुपाव दुराव होता, प्रेम में तो सब बता दिया जाता है। मैया बोली, नहीं नहीं नारद जी, कैसी बात कर रहे हो आप? भोलेनाथ जी हमसे बड़ा स्नेह करते, बड़ा प्रेम करते, अब कोई एक आध बात छूट गई तो इसका मतलब ये थोड़ी प्रेम नहीं करते। नारद जी बोले, देवी अच्छा चलो एक आध बात छोड़, नहीं बता के गए कोई बात नहीं, मुंड की माला किसकी ये भी नहीं कोई बात नहीं, आपको वो वाली बात पता है? मैया बोली, वो वाली बात कौन सी? नारद जी बोले, छोड़ो छोड़ो, अरे रहन दो, काय को बेकार में, हम वैसे ही बदनाम है, नारद झगड़ा कराने के लिए और बदनाम हो जाएंगे। अब नारद जी को पता है, किसी मैया के हृदय में उथल पुथल चलानी हो ना तो उसको आधी बात बता दो। फिर तो महाराज पेट का पानी तक नहीं पचेगा जब तक वो पूरी तह तक ना चली जाए, खोज ना ले कि आखिर हुआ क्या। माताओं बहनों का ये स्वभाव भगवान ने पहले से बना के भेजा है, ये सिस्टम ही ऐसा ढाल के भेजा है। और माताओं का एक स्वभाव पता क्या होता है, बता दूं? बुरा तो नहीं मानोगी मैया, कल से कथा में ही नहीं आओ। कोई दो माताएं आपस में चुप 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 बात कर रही हो ना, तो इसका मतलब है एक का डेटा दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, और जब पूरी बात हो जाए और फिर पल्ला झाड़ के चलती चलती बोले अरे छोड़ो ना हमें क्या, तो इसका मतलब है डेटा पूरी तरीके से सेव हो चुका है और वायरल होने को तैयार है। वो बाहर से ही कह देती है हमें क्या, पर फिर तो कोई कोई बात पहुंचानी हो शहर में तो एक मैया को बता दो, और उससे संग में ये भी बोल दो किसी को कहना मत, तो फिर वो समझ जाएगी कि अच्छा कहना मत मतलब अब इसका प्रचार करना है। खैर ये ऐसी हंसाने के लिए, माता बुरा नहीं मानना आप सब, तो ये जो बाहर की माता उनकी बात है, खरियार रोड वाली मैया ऐसी नहीं है कि नहीं? देखो कथा में बिल्कुल भी बात नहीं करती, एकदम शांत बैठी रहती है। तो अब तो महाराज माता पार्वती खैर संसारिक माताओं से एकदम अलग है, ऐसा नहीं है, ये तो बस हंसाने के लिए बोल देते। नारद जी भी कोई ऐसा झगड़ा वड़ा कराने वाले नहीं है, पर कभी कभी देवों में भी विनोद होता है, तो ये उनकी विनोद लीला है। तो माता पार्वती को कहा कि आपको वो बात पता है? हमको तो नहीं पता कौन सी वो वाली बात। छोड़ो, बोले नहीं नहीं अब तो बताओ कौन सी वो वाली बात। बोले देवी अब देखो हम तो बताना तो नहीं चाहते थे, पर अब हम ये भी नहीं चाहते आप धोखे में रहो। देखो आपको ये छोटी छोटी बात भोलेनाथ जी ने नहीं बताई तो पक्का वो वाली बात तो बताई नहीं है। अरे अब बता भी दो कौन सी वो वाली बात है। नारद जी बोले देवी
आपसे पहले भी भोलेनाथ जी के कईयों ब्याह हो चुके हैं, शादियां हो चुकी हैं, आपसे पहले उन्होंने कई ब्याह किए हैं। पता है आपको, कभी बताया? मैया तो महाराज एकदम मौन हो गई, कुछ बोले ही ना, एकदम साइलेंट मोड में चली गई। नारद जी बोले, अब महाराज विस्फोट होने वाला है, अब मैया कुछ बोले उससे पहले तू निकल ले। नारद जी वीणा लेकर के जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, भोलेनाथ जी आ रहे हैं। भोलेनाथ जी ने देखा बड़ी हड़बड़ी में नारद जी भागे भागे कैलाश से आ रहे हैं। भोलेनाथ जी ने बोला, नारद जी कहाँ से आ रहे हैं? ले प्रभु, आप ही के धाम से आ रहा हूँ। अच्छा, बड़ी जल्दबाजी में हो? बोले हाँ, काम कुछ आन पड़ा, और आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ, वहां मैया आपको याद कर रही हैं। भोलेनाथ जी समझ गए, ये कैलाश होके आ रहे हैं तो फिर जरूर याद कर रही होंगी, कुछ बीज बो के जरूर आए हैं, चलो देखते हैं। भोलेनाथ जी आए बाहर दरवाजे पर, रोज मैया खड़ी खड़ी स्वागत के लिए तैयार रहती थी, पर आज तो माता नाराज है, तो कोप में एकदम शांत बैठी है। भोलेनाथ जी आवाज लगा रहे हैं बाहर दरवाजे से, देवी, अरे ओ पार्वती, जरा सुनो तो, अरे ने जलवल लेकर के आओ, कछु हमारी सेवा विवाह करो। आवाज लगा रहे हैं, सुनो जी, तो भीतर से आवाज आती है, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब अपनी पहली वाली को जाके सुनाओ। भोलेनाथ जी समझ गए मामला कुछ लंबा है, तो भोलेनाथ जी ने जाके पार्वती जी को कहा, क्या ये पहला दूसरा क्या लगा रखा है? बोले नहीं नहीं, अब तक मैं धोखे में थी, आंख ऊपर विश्वास की पट्टी बांध रखी थी, अब समझ आ गया कि आप भी हमसे प्रेम नहीं करते हो, तो भला हो नारद का जो समय रहते सब बता गया, तो भला हो देवर्षि नारद जी का। भोलेनाथ जी समझ गए कि कोई बात है, बताइए क्या बात है। बोले आपने हमें आज तक बताया नहीं, मुंडों की माला आपने आज तक बताया नहीं, आप हमसे पहले ब्याह कर चुके हो। हंसने लगे भोलेनाथ जी, देवी आप बड़ी भोली हैं, नारद ने गलत नहीं कहा, पर कई बार आधा सत्य बताना भी झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। सच्चाई बताई पर आधी बताई, ये मुंड जो मैं गले में धारण करता हूं कुछ दैत्यों के हैं, कुछ संत जनों भक्त मेरे जो अपने हैं उनके हैं, और इसमें कुछ सर आपके भी हैं। और ब्याह की जहां तक बात है, देवी देखो ब्याह तो मेरे हुए हैं, खूब हुए हैं, पर किससे हुए जानती हो? किसी पराई स्त्री, किसी दूसरी स्त्री से ब्याह नहीं किया मैंने, मैंने हर अवतार में तुमसे ब्याह किया। कभी तुम शैलपुत्री, कभी दुर्गा, कभी पार्वती, कभी सती, हर अवतार में तुम्हारे साथ ब्याह किया। पार्वती जी, अच्छा फिर ठीक है, हमसे ब्याह किया तो फिर तो ठीक है, पर प्रभु एक बात नहीं समझ आ रही। बोले हाँ जी बताइए। हमको यह समझ नहीं आ रहा कि हर अवतार में हमारी मृत्यु हो जाती है, और आप अलग अलग हमारे साथ विवाह करते हो, आपकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा कौन सा जादू है? भोलेनाथ जी बोले, देवी हमने अमर कथा पी रखी है, तो हमें भी सुना दो। चलो उसके लिए आपको धरती पे चलना पड़ेगा। तो माता पृथ्वी को लेके भगवान श्री भोलेनाथ जी पृथ्वी पर आए, यहाँ कथा सुनाई, सुखदेव जी ने भी उस कथा को श्रवण किया। इस प्रकार श्री सुखदेव जी के कान में दूसरी बार भोलेनाथ जी के मुख से कही गई भागवत आई, और तीसरी बार आई अपने पिता श्री वेदव्यास जी के मुख से सुखदेव जी ने इस कथा को श्रवण किया। सुखदेव जी आए कैसे? बोले नारद जी ने चार श्लोक दे करके व्यास जी से कहा, भागवत की रचना करो। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और शिष्यों को कहा कि जंगल में समीधा लेने जाओ तो भागवत श्लोकों का पाठ करो, जिससे सुखदेव आकर्षित हो जाए। और वही हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसे भागवत के श्लोकों को श्रवण किया, भागवत के युगल गीत का, वेणु गीत का श्लोक श्रवण किया, तो उसको सुन करके श्री सुखदेव जी का मन श्री ठाकुर जी में लग गया। क्यों? क्योंकि देखो, इंद्रियों, हमारी जो इंद्रिय है ना, इनको
अलग अलग रस चाहिए। तो अलग अलग रस कहाँ से देंगे हम? इसके लिए एक कृष्ण में इन सब इंद्रियों को लगा दो तो सारे रस अपने आप इन इंद्रियों को मिले। आँख कुछ अच्छा देखना चाहती है तो अच्छा दिखाओ, श्री ठाकुर जी का स्वरूप इनको दिखाओ, आँखों को इनका रस मिल जाएगा। कानों को उनकी कथा सुनाओ, उनकी कथा श्रवण का रस उनको प्राप्त हो जाएगा।